So hey, what is up everybody, welcome back to my YouTube channel of SDX Game Pro. So hello, कैसे हो गाइस आप सभी लोग। So गाइस आ चुके हैं एक और अमेजिंग वीडियो को लेकर साथ वापस। अभी आज का इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक के बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ही आपका मतलब दिल निकल जाने वाला है, दिल फट जाने वाला है गाइस। बिकॉज आपको पता होगा 6 मंथ से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग का इस अनलिमिटेड डायमंड एंड एक्सपी फार्म कैसे बना सकते हो अपने माइनक्राफ्ट में, ठीक है ना। और उस पर कई बहुत सारे व्यूज आ गए थे, ठीक है, और मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड हो गया था। अभी व्यूज़ कम हो चुके हैं तो फिर से बना लिया एक और वीडियो। तो इस वीडियो में कैसे हम लोग क्रिएटिव के बिना मतलब विदाउट कमांड ब्लॉक, विदाउट चीटिंग, विदाउट क्रिएटिव इन सर्वाइवल मोड में हम लोग डायमंड एंड एक्सपी फार्म कैसे बना सकते हो गाइस। डायमंड फार्म गाइस, डायमंड फार्म अनलिमिटेड होने वाला है गाइस, ये मैं पहले बता दूं, ठीक है। और गाइस ये एफिशिएंट इनटू 100 है गाइस, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। और गाइस ये एक ग्लिच है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं गाइस, ये एक माइनक्राफ्ट का ग्लिच है जो कि मैंने बहुत मेहनत करके निकाला है। तो आप सभी लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर बनता है गाइस, और आप इसे सर्वाइवल में भी यूज कर सकते हो। सबसे अच्छा पॉइंट तो इसमें है, सब्सक्राइब कर लो, मैं पहले ही बता दूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है ना गाइस, इस ग्लिच को यूज करने से पहले गाइस, ये एक गाइस एक ग्लिच है, ठीक है ना, ये ग्लिच है। तो इस ग्लिच को यूज करने से पहले आपको एक चीज नोटिस करना पड़ेगा, ये ग्लिच गाइस पॉकेट एडिशन में ही वर्क करता है। अगर आपके पास गाइस जावा वर्जन है या फिर विंडोज 10 पीसी वर्जन है तो गाइस ऐसा नहीं होने वाला, आपका वर्क नहीं करने वाला, बस पॉकेट एडिशन में ही वर्क करता है। और गाइस पॉकेट एडिशन में गाइस कैसे वर्क करता है मैं आपको बता दूं। अगर आपने गाइस प्रोफाइल में जाकर ये जो गाइस आपने जो वो जो केवल इसको URL जो पॉकेट किया है ना, तो ये तो UI आपको वीडियो सेटिंग में जाकर ये UI प्रोफाइल जो है ना, ये UI प्रोफाइल इसको आपको पॉकेट ही रखना है। अगर आपने इसको क्लासिक कर दिया ना तो आपका वर्क नहीं करेगा, पॉकेट ही रखना है, ठीक है, तो तभी जाकर ये ग्लिच अपना वर्क करेगा। तो चलिए अब देखिए मेरा वीडियो। तो गाइस इसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आयरन का ब्लॉक चाहिए एंड की जो रेस्टोन टॉर्च है इसको चाहिए एंड आपको एक बीकन चाहिए, एक बीकन। और बीकन आपको इजीली मिल जाता है गाइस, मतलब कि एक विदर को मारने पर, ठीक है, तो विदर को मार के आपको बीकन ले लेना। और गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ 1 डायमंड चाहिए, 1 डायमंड, ठीक है, मतलब आपको 1 डायमंड से आप लोग अनलिमिटेड डायमंड बना सकते हो। और गाइस ये मेरा फेक नहीं है, मैं पहले ही बता दूं गाइस, ठीक है ना, 1 डायमंड से अनलिमिटेड डायमंड बना सकते हो। तो ये देखो अभी मैं आपको बता दूँ कैसे करना है, ठीक है। तो देखो कोई सा प्लेस में आ जाइए एंड आपको ये तो ब्लॉक ऑफ आयरन जो है ना इसे कुछ इस तरीके से रखना है, देखो इस पैटर्न में रखना है एंड आपको पीछे भी यहाँ पर आपको एक ब्लॉक रख देना है, तो इस तरीके से रखना है। हमने ऐसा रख दिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा गाइस का एक स्टेप है, इसके ऊपर रखना है एंड इसको बंद कर देना है इस तरीके से। इसके बाद इस ब्लॉक को तोड़ सकते हो, तो मैं इनको तोड़ देता हूँ, मैं डायमंड का पिकैक्स। और आप नोटिस अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं सर्वाइवल में हूँ, तो मैं आपको सर्वाइवल में ही दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वो मैंने इस तरीके से पैटर्न में बना दिया, आयरन का ब्लॉक ही चाहिए होगा और किसी ब्लॉक से नहीं होगा, ठीक है ना। एंड इसके बाद गाइस आपको रेडस्टोन का टॉर्च लेना है एंड इसके अंदर लगा देना है इस तरीके से, ठीक है, लगा दिया है। और इसके बाद गाइस हमको ये तो बीकन है, एक बीकन लेना है बस, और इसको इसके साइड में प्लेस कर देना है इस तरीके से, और आपका काम हो चुका है, बहुत ही ईजी है। एंड अभी गाइस सिंपल सा आपको इस बीकन के ऊपर टैप कर देना है एंड गाइस कुछ नहीं, आप सिंपल ले होगे, ये फेक वीडियो नहीं है, ठीक है, आप सिंपल सा ये जो डायमंड जो दिख रहा है आपको, बस एक डायमंड है ना उसके ऊपर बार बार सिर्फ टैप करो, ठीक है। ये जो साइड में डायमंड दिख रहे हो ना, मतलब आपके पास एक डायमंड होना जरूरी है, ठीक है, तो मेरे पास एक डायमंड ऑलरेडी है, तो मैं अब देखना इसमें आपको बार बार टैप करना है, ठीक है। अब देखना गाइस मैजिक, ठीक है, ये देखो 1, ये देखो 2, देखो मैं वीडियो को स्किप नहीं करूंगा, अब आप देखो गाइस मैं वीडियो देखो 64 हो चुका है, 1 डायमंड से डायरेक्ट 64 गाइस। अभी मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ, ठीक है, तो मैं सबसे पहले गाइस यहाँ से और एक डायमंड मतलब यहाँ से ले लेता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 डायमंड लिया है, जैसे कि देख पा रहे 2 डायमंड लिया है। सबसे पहले मैं इसको फेंक देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो, तो मैं इसको फेंक दिया है। अब देखना गाइस दो डायमंड मैं आपको कैसे प्रूफ कैसे कराऊँ यार कि ये फेक वीडियो नहीं है। आप देखो ये मैं 2 डायमंड लिया ना, आप देखना, ठीक है, ये देखो बस टैप करते रहना, बस टैप करते रहना, आपके पास अनलिमिटेड डायमंड आते रहेंगे। देखो 64 आ चुका है और ये देखो हमारा एक और 64 डायमंड, तो इसको मैं फेंक देता हूँ, ठीक है। फिर से रुको, मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा सा मेरे लिए एक डायमंड फिर से ले लेता हूँ। देखो हमारे पास 15 अभी डायमंड है, ठीक है, मैं इसको पहले फेंक दो 64 फेंक देता हूँ, फेंक दिया, हमारे पास 15 डायमंड है, ठीक है। अब देखना, ठीक है, देखो सिंपल टैप करना है एंड हमारा 64 हो चुका है। फिर से
देखो हम लोग यार इस तरीके से अनलिमिटेड बार डायमंड ले सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा ट्रिक है गाइस। और अगर ये फेक तो एकदम भी नहीं है, मैं आपको पहले बताता हूँ, आप जाके अपना माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में ट्राई कीजिए, ठीक है ना। और अगर एक बात याद रखना, जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी इसको काम कर लेना, वरना शायद बाद में ये ग्लिच फिक्स हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बाद में बता रहा हूँ गाइस, जल्दी से टेस्ट कर लो, आपके वाला वर्ल्ड में 100% वर्क करेगा। मैं सर्वाइवल में भी आपको दिखाया था, ठीक है, मैं सर्वाइवल में ही हूँ, मैं फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आपका विश्वास नहीं होता ना, मैं फिर से दिखाऊंगा। बिल्कुल, सबसे पहले मैं इन सारे डायमंड का फेंक देता हूँ, ठीक है, मैं जितना भी डायमंड है मैं इनको फेंक देता हूँ। रुको, मैं यहाँ से मैं पहले वन डायमंड हाथ में रख देता हूँ, ठीक है ना। सो मैं वन डायमंड यहाँ से पहले ले लेता हूँ। सो देखो मेरे पास 6 डायमंड है, ठीक है, मैंने सारे डायमंड फेंक दिया, जैसे कि आपने देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास 6 डायमंड है। तो आप देखना, मैं खोलता हूँ बीकन एंड बस आपको डायमंड के ऊपर टैप करना है। देखो अनलिमिटेड डायमंड मिलेगा गाइस, गाइस अनलिमिटेड डायमंड, फिर से फेंकना है, सिंपल सा बात है, फेंक दिया एंड डायमंड डायमंड मिलेंगे गाइस। देखो गाइस मेरे पास 64 कितना सा डायमंड मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं मैंने इसको कैसे निकाला है, ठीक है। सो मैंने जस्ट गाइस इन ब्लॉक्स को लगाया था, जस्ट मैं गाइस एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और तभी गाइस मेरा हाथों से गलती से ये बीकन लग गया था, ठीक है। और जब मैंने टैप किया तब मैंने डायमंड के ऊपर बस टैप किया था, और तब देखा मेरे पास अनलिमिटेड डायमंड आते रह रहा है, मतलब कि एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है गाइस, जिसको जल्दी से यूज़ कीजिएगा, ठीक है ना। और रेडस्टोन टॉर्च लगाना मत भूलना इसके साइड में, देखो उस इसके साइड में, तभी जाकर ये वर्क करता है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है गाइस, जाके वर्क कीजिए गाइस और एंजॉय कीजिए। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा गाइस, प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगता है इन ट्रिक्स ढूंढने में। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।